हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एडुकेशनल गुरु। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10 फुटप्रिंट्स का चैप्टर द मिडनाइट विजिटर। पॉसिबल एक सीक्रेट एजेंट होता है, वो एक इम्पॉर्टेंट खुफिया रिपोर्ट आने का वेट कर रहा होता है। अब वहीं पे एक और सीक्रेट एजेंट जिसका नाम मैक्स होता है, वो पॉसिबल को थ्रेटन यानी पिस्तौल से धमकाता है और रिपोर्ट मांगता है। तो क्या पॉसिबल मैक्स को वो रिपोर्ट दे देंगे या फिर अपने दिमाग इंटेलिजेंट तरीके से चालाकी से मैक्स को डिफीट कर पाएंगे, हरा पाएंगे? तो आइए इस स्टोरी को पढ़ते हैं, समझते हैं और जानते हैं। वैसे अब आप लोग कोई भी नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिजल्ट 10th एंड 12th ऑफ ऑल स्टेट को बस एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर मोर विजिट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो एक फॉलोअर होते हैं और इन्होंने जो भी पॉसिबल के बारे में पढ़ा था, जाना था, जो डिस्क्रिप्शन उन्हें पॉसिबल के बारे में मालूम था, जो उन्हें बताया गया था, उस डिस्क्रिप्शन में पॉसिबल तो फिट नहीं आ रहे थे। तो फॉलर पॉसिबल का पीछा करते हुए एक गंदे से कॉरिडोर को पार करते हुए पॉसिबल के कमरे तक पहुंचे। पॉसिबल का रूम एक फ्रेंच होटल में होता है जिसकी कॉरिडोर काफी चिपचिपा गंदा सा था। पॉसिबल का रूम इसी होटल के टॉप फ्लोर 6th फ्लोर पे था और कमरा बिल्कुल छोटा था और जिसे देख ऐसा फीलिंग तक नहीं आ रहा था इस रूम में कभी भी कोई रोमांटिक एडवेंचर भी हो सकता है। पॉसिबल एक मोटे, काफी मोटे इंसान थे जिन्हें फ्रेंच और जर्मन दोनों बोलने आता था, लेकिन उनके वर्ड्स में आज भी थोड़े थोड़े टोन अमेरिकन लैंग्वेज के आ जाया करते थे, क्योंकि वो पहले पेरिस में थे जो 20 ईयर्स यानी 20 साल पहले पेरिस से बॉस्टन आए थे। अब पॉसिबल फॉलर से कहते हैं, क्या तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट हो रही है? क्योंकि जो तुमने मेरे बारे में सुना, पढ़ा कि मैं एक खतरनाक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूं जो डेंजर सिचुएशन में काफी बहादुरी से लड़ता है, तुम तो मुझे बस इसलिए ही ना फॉलो करते हो, मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक यंग राइटर हो, रोमांटिक राइटर हो, तुम्हारे दिमाग में तो हमेशा कुछ अलग सा इमेज रहता होगा, एक अजीब सा फोटो दिमाग में आने लगता होगा, क्रैक्स के, पिस्टल्स के या फिर ड्रग्स के जो वाइंस में मिलते थे, ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में अब तक घूम रही होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो तुमने सोचा था, एक एडवेंचरस इवनिंग होगा, लेकिन हुआ क्या, ठीक अपोजिट, तुमने एक उदास शाम बिताया इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल एक मोटे से आदमी के साथ जिसके पास कोई मैसेज नहीं आता है, सुंदर डार्क आइज ब्यूटीज के हाथों, अगर कुछ आते हैं तो बस टेलीफोन कॉल्स, वो भी अपॉइंटमेंट के लिए, वो भी मेरे रूम में। ये सब देख सुन के तुम भी बोर हो गए होगे। और ये सब बोलते बोलते पॉसिबल जो मोटे आदमी थे, उन्होंने अपना रूम का दरवाजा खोला, एक साइड खड़े हो गए ताकि उनका फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट फॉलर एंटर कर सके रूम में। पॉसिबल अपनी बातें कंटिन्यू रखते हुए फॉलर से कहते हैं कि तुम किसी भी टाइप का इल्यूजन नहीं हो रहा होगा, तुम्हें किसी भी टाइप का इल्यूजन नहीं हो रहा होगा, डल महसूस कर रहे होगे, लेकिन मेरे प्यारे यंग फ्रेंड, जस्ट चिल, खुश हो जाओ, क्योंकि अभी जस्ट तुम्हें एक पेपर, जो काफी इंपॉर्टेंट पेपर है जिसके लिए कई सारे लाइफ रिस्क पर है, जिसे पार कर वो पेपर्स मेरे पास आएंगे और शायद उस पेपर की वजह से एक नया हिस्ट्री बनेगा। जरा सोचो मेरे प्यारे दोस्त, एक ड्रामा क्रिएट होगा, क्या नहीं होगा? पॉसिबल ये बात करते करते दरवाजा बंद करते हैं और अपने रूम के लाइट्स को ऑन करते हैं। अब जैसे ही लाइट्स ऑन होती है, फॉलर को एक थ्रिल, उस पूरे दिन का सबसे पहला थ्रिल, एक तरह का एक्साइटमेंट दिखा। कमरे से बस आधी ही दूरी पर एक आदमी अपने हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल लेके खड़ा हुआ होता है। पॉसिबल ये देख अपने पलके झपकाने लग गए थोड़े टाइम के लिए। पॉसिबल फिर कहते हैं, मैक्स क्या बात है यार,
तुमने तो मुझे एकदम से चौंका ही दिया। मुझे लगा कि तुम तो बर्लिन में हो, तुम यहां मेरे रूम में कैसे, क्या कर रहे हो? मैक्स एक दुबले पतले मीडियम हाइट के चालाक, बिल्कुल एक फॉक्स एक चालाक लोमड़ी की तरह दिख रहे होते हैं। मैक्स कहता है, रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जो तुम्हारे पास लाई गई है, जिसमें कुछ मिसाइल्स के कुछ बातें हैं, इंफॉर्मेशन है, और मुझे लगा कि वो इंफॉर्मेशन पेपर तुमसे ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे पास यानी मैक्स के हाथों में काफी ज्यादा सेफ रहेंगे। अब ऑसिबल साइड में ही रखा एक आर्म चेयर पे जाके बैठ जाते हैं और कहते हैं, अब तो हद ही हो गई, इस बार तो मैं मैनेजमेंट से बिना फाइट किए नहीं रहूंगा, और इस बात का तुम मुझसे बैट लगा सकते हो, शर्त लगा सकते हो, ऑसिबल मैक्स से कह रहे हैं। ऑसिबल कहते हैं कि इस मंथ में ये दूसरी बार हुआ कि कोई मेरे रूम में घुस आता है इस बैल्कोनी की थ्रू, इस बैल्कोनी के जरिए। फॉलर तुरंत अपनी आंखें उस रूम के खिड़की की तरफ देखने लगते हैं, जो एक सिंपल सी खिड़की थी, जिससे देखने से लग रहा था कि ये तो बस एक सिंपल सा अंधेरी रात है, जिसके बाहर ये देखने से लग रहा था, उस खिड़की से बाहर जब कोई देख रहा था तो वो सिंपल सा एक अंधेरी रात दिख रहा होता है उस खिड़की के बाहर। अब मैक्स कहता है शॉक्ड होते हुए, क्या बैल्कनी? मैं बैल्कनी से नहीं, मैं तो दूसरी चाबी के हेल्प से दरवाजे से आया हूं, मुझे ये तक मालूम नहीं था कि पीछे बैल्कनी भी है, और अगर ये पहले से मालूम होता तो मैं कब का उस बैल्कनी के पीछे छुप जाता, और ये सब परेशानी मुझे नहीं झेलनी पड़ती जो अब मुझे झेलनी पड़ रही है। अब ऑसिबल कहते हैं, अरे ये मेरी बैल्कनी नहीं है, ये तो दूसरी बिल्डिंग की बैल्कनी है। ऑसिबल अब फॉलर को समझाते हुए कहते हैं, फॉलर ये रूम पहले एक बड़े यूनिट का हिस्सा था, और ये जो तुम दूसरा रूम देख रहे हो बगल में, ये दरवाजा यहाँ एक बड़ा सा लिविंग रूम हुआ करता था, और उसकी ही बैल्कनी थी, लेकिन वो अब मेरी विंडो के नीचे आती है, और अगर तुम चाहो तो तुम उस एम्प्टी रूम तक पहुँच जाओगे, और ऐसा ही एक आदमी ने पिछले महीने ही किया था, और मैनेजमेंट ने कहा था कि वो ब्लॉक कर देंगे, लेकिन अब तक वो रूम वो बैल्कनी ब्लॉक नहीं किया गया। मैक्स फॉलर की तरफ देख रहे थे, जो ऑसिबल के नजदीक खड़ा था। मैक्स फॉलर को कहते हैं, तुम भी बैठ जाओ, अभी हमारे पास हाफ एन आवर और है। तो इस पे ऑसिबल एकदम से कहते हैं, 31 मिनट्स, अभी मीटिंग 12:30 में होनी थी। ऑसिबल मैक्स से कहते हैं, काश मुझे पता होता, ये जान पाता कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। ये सुन वो छोटा आदमी यानी मैक्स थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है कि मुझे भी ये जानना है कि तुम्हारे आदमियों को ये रिपोर्ट मिली तो मिली कैसे, वो भी बिना किसी को तकलीफ घायल किए हुए। और तभी दरवाजे पे कोई आता है, दरवाजे पे नॉक सुनकर फॉलर एकदम से उछल पड़ता है। वहीं ऑसिबल थोड़े से स्माइल करते हैं और कहते हैं, वो पुलिस है, क्योंकि जिस पेपर के लिए तुम भी आए हो वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि प्रोटेक्शन तो थोड़ी होनी ही चाहिए थी, और मैंने यानी ऑसिबल ने पुलिस वाले को ये बोलकर रखा था कि वो नजर रखे मुझ पर ताकि सब ठीक रहे। तभी दरवाजे पे फिर से नॉक होता है। मैक्स ये सुन अपने लिप्स को बाइट करता है घबराहट की वजह से। फिर से दरवाजे पे नॉक होता है तो ऑसिबल मैक्स से कहते हैं, मैक्स अब तुम क्या करोगे? मैंने दरवाजा नहीं खोला तो वो कैसे भी करके अंदर आ जाएंगे, और उन्हें थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा तुम्हें शूट करने में, गोली मारने में। ये सुन के मैक्स का फेस गुस्से से काला हो रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे विंडो की तरफ जाने लग गया और अपना एक पैर उस खिड़की के ऊपर रखा और ऑसिबल से कहा कि तुम उन्हें वापस भेज दो, मैं यहीं पीछे वेट करता हूं, वरना मैं शूट कर दूंगा। तभी
और जोर जोर से दरवाजे पे नॉक होने लगता है और चिल्लाने की आवाज आती है, मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल। मैक्स अब तक गन को ऑसेबल और फॉलर की तरफ किया हुआ था और अपने दूसरे हाथों से उसने विंडो के फ्रेम को पकड़कर अपने आप को सपोर्ट दिया और अपना दूसरा लेग पैर भी उस विंडो के ऊपर रख दिया। उसी वक्त दरवाजा थोड़ा खुलता है और मैक्स अपना हाथ विंडो से हटाते हैं और बैल्कोनी में कूद जाते हैं। और जैसे ही वो कूदते हैं, मैक्स कूदते हैं, वो जोर से चिल्लाते हैं। अब जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक वेटर अपने हाथों में एक ट्रे, बॉटल और दो ग्लास लेके खड़ा होता है। उस वेटर ने ऑसेबल से कहा, सर ये रही आपकी ड्रिंक जो आपने कहा था जब आप रिटर्न आए थे। फिर उस वेटर ने ट्रे को अच्छे से सेट किया, बॉटल को खोला और रूम को छोड़ के चला जाता है। फॉलर काफी ज्यादा डर गया था, उसका चेहरा पूरा वाइट पड़ चुका था और वो हकलाते हुए कहता है, पुलिस? तो ऑसेबल कहते हैं, कोई पुलिस नहीं था, मैं तो हेनरी को एक्सपेक्ट कर रहा था, हेनरी उस वेटर का नाम है। तो फॉलर कहते हैं, लेकिन वो आदमी जो बैल्कोनी के बाहर खड़ा है उसका क्या? तो ऑसेबल हंसते हुए कहते हैं, वो अब वापस नहीं आएगा। ओह माय यंग फ्रेंड, ये देखो यहां कोई बैल्कनी नहीं है। तो बस ऑसेबल ने अपने क्लेवर दिमाग के हेल्प से सारे सिचुएशन को हैंडल किया। सो स्टूडेंट, दिस वॉज द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आने के साथ साथ पसंद भी आया होगा। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।